हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ कॉमर्स कंप्लीट होने के बाद आप लोग क्या क्या कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों हम जानते हैं कि आप लोग ट्वेल्थ करने के बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सा कोर्स हम करें कौन सा कोर्स हम चुनें क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोग आप लोगों को एक या दो कोर्सेज के बारे में ही सजेस्ट करते हैं कि आप या तो बी कॉम कर लीजिए या फिर आप बीबीए कर लीजिए लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आप ट्वेल्थ कम्प्लीट करने के बाद में कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी कोर्सेज़ के बारे में आपको बताएँगे साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उन कोर्सेज़ को करने की क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती है कौन कौन से कॉलेजेस आपके लिए इसके अंदर बेस्ट होते हैं इन सभी के बारे में आज हम हाँ इस वीडियो में बात करेंगे तो बिना देर किए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बीकॉम की ये कोर्स तीन साल का होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपको ट्वेल्थ के अंदर फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स से पास होना ज़रूरी होता है बीकॉम आप किसी भी नॉर्मल कॉलेजेस से कर सकते हैं इसके लिए आपको पर्टिकुलर कोई बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है आगे हम बात करते हैं बी बी ए बी बी ए का पूरा नाम बैचलरेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये कोर्स भी बीकॉम की तरह ही तीन साल का कोर्स होता है लेकिन ये एक मैनेजमेंट कोर्स होता है जिसको करने के बाद आप किसी भी कंपनी में एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं तो दोस्तों हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं एच एम यानी कि होटल मैनेजमेंट कोर्स की इस डिग्री को बैचलरेट इन होटल मैनेजमेंट कहा जाता है यह कोर्स पूरे चार साल का होता है आगे हम बात करते हैं सीए की सीए भी आपके करियर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है इसमें आप ओपन से डिग्री के साथ सीए की तैयारी कर सकते हैं यह कोर्स भी चार से पाँच साल का होता है लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम हर एक एग्ज़ाम को वन टाइम क्लियर कर लेते हैं तो आगे हम बात करते हैं सी एफ ए की अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं तो आप सी एफ ए कर सकते हैं उससे आगे हम बात करते हैं बी सी ए की ट्वेल्थ में ज़रूरी नहीं कि आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड ही हो अगर आप आर्ट्स साइंस से भी हैं तो आप बी सी ए करके सॉफ़्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बी सी ए करके सॉफ़्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ट्वेल्थ के अंदर आपके पास साइंस या फिर आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स होना ज़रूरी नहीं डिग्री कोर्सेज़ के बाद हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन कोर्सेज की जी हाँ ऐसे बहुत से सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जो आप ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइनिंग की आफ्टर कॉमर्स अगर आपका इंटरेस्ट डिजाइनिंग में है तो आप ये सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं आज की डेट में डिजाइनिंग वर्क की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है ये सब हम जानते हैं इसमें आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर से लेकर ग्राफिक डिज़ाइनर तक बन सकते हैं ऐसे कोर्सेज करके आप अपने करियर को एक बेहतर उड़ान दे सकते हैं उसके आगे सर्टिफिकेशन कोर्सेज में आता है सी एफ पी इन फाइनेंशियल प्लानर यह कोर्स 26 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पॉपुलर है इसको करके भी आप अपने करियर को एक बेहतर उड़ान दे सकते हैं उसके आगे हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की अगर आपका इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में है फैशन में है तो आप अपने करियर को फैशन डिज़ाइनर के तौर पर देखना चाहते हैं तो फैशन डिज़ाइनर का कोर्स आप कर सकते हैं उसके बाद हम बात करेंगे इवेंट मैनेजमेंट की अगर आप अपनी पहचान एक अच्छे मैनेजर के तौर पे करवाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप एक परफेक्ट मैनेजर बने तो एक इवेंट मैनेजमेंट करके भी आप एक मैनेजर की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे वो टॉप टेन कोर्सेस जो आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं और आप अपने करियर को एक बेहतरीन उड़ान दे सकते हैं उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए